दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सुगर क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग इंस्टेंट हार्टिकल्चर की वेजिटेबल क्रॉप में कल्टीवेशन ऑफ ओकरा पढ़ने वाले हैं। ओकरा बोले तो भिंडी, तो भिंडी की जो क्रॉप है इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे रिलेटेड जो कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं कम्पटिटिव एग्जाम के लिए उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। आज ये लेक्चर हम नौवा वाला लेक्चर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं 8 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ वेजिटेबल क्रॉप के बारे में, और इससे पहले एक पूरी सीरीज फ्रूट क्रॉप की मैं ख़त्म कर चुका हूँ पढ़ा के। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर इंस्टेंट हार्टिकल्चर पार्ट 1 नाम की एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट से चाहें तो आप आसानी से जितनी भी वीडियो मैंने अपलोड करी है इंस्टेंट हार्टिकल्चर की वो देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कल्टीवेशन ऑफ ओकरा। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं ओकरा की कल्टीवेशन को पढ़ना, देख लेते हैं। ओकरा देखने में ऐसा होता है, एक हरी सब्जी होती है जिसको इंडिया में बहुतायत मात्रा में खाया जाता है। ओकरा का जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है अवेलमॉस्कस एस्कुलेंटस। क्या होता है? बोटेनिकल नेम ऑफ ओकरा इज अवेलमॉस्कस एस्कुलेंटस। इसकी फैमिली जो होती है ओकरा की फैमिली होती है मालवेसी, यानी कि मालवेसी कुल की ये क्रॉप है। उसके बाद इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो है अफ्रीका। ओकरा की क्रॉप का जो बोटेनिकल नेम है वो क्या है? अवेलमॉस्कस एस्कुलेंटस। फैमिली इसकी मालवेसी है, ओरिजिन प्लेस इसका अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका में पहले इसको ग्रो किया गया था। इसका ओरिजिन जो प्लेस है वो अफ्रीका में है, सबसे पहले वो अफ्रीका में ग्रो हुई थी। अगला पॉइंट जो बोल रहा है, हायर आयोडीन कंटेंट हेल्प इन कंट्रोलिंग गोइटर। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो आयोडीन ओकरा है, ओकरा क्रॉप के अंदर जो ओकरा हम खाते हैं भिंडी, इसके अंदर आयोडीन बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। तो अगर हम अपनी डाइट में भिंडी को पर्याप्त मात्रा में यूज़ करते रहेंगे तो इसमें जो आयोडीन होगा वो आयोडीन आपको जो गोइटर वाली डिजीज़ होती है जिसको हम घेघा बोलते हैं, जिसमें गले की जो ग्रंथियाँ हैं थायराइड ग्लैंड्स हैं ये फूल जाती हैं, वो फूलेंगी नहीं, ठीक। तो आपका जो गोइटर डिजीज़ है इसको कंट्रोल करने के लिए ओकरा में आयोडीन जो होता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रेजिस्टेंट टू हाई येलो वाइन मोज़ेक वायरस। क्या बोल रहा है? रेजिस्टेंट टू येलो वाइन मोज़ेक वायरस हैव बीन द मेजर ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव इन ओकरा। बात समझो कि ओकरा में एक बहुत ही हार्मफुल वायरल डिजीज़ होती है जिसका नाम है येलो वाइन मोज़ेक वायरस। ये जो वायरस होता है ये जब लग जाता है आपकी ओकरा की क्रॉप में तो क्या होता है कि जितने भी वेंस हैं, ये वेंस, येलो वेंस, ये सब वेंस जो होती हैं ये येलो कलर की हो जाती है। इसमें देखो जितने भी सिराएँ हैं ये सब कैसी हो जा रही हैं, ये सब येलो कलर के हो जा रही हैं। तो ये एक वायरल डिजीज़ है जिससे आपकी जो ओकरा की क्रॉप है काफ़ी अफेक्टेड होती है। इसमें क्लोरीन की कमी हो जाती है जिससे फोटोसिंथेसिस पौधे कम कर पाते हैं और अल्टीमेटली आपका प्रोडक्शन गिर जाता है। तो ओकरा की क्रॉप का जो ब्रीडिंग का मेन पर्पज है तो उसका मेन पर्पज ये है कि ऐसी वेराइटी डेवलप करें जो येलो वेन मोज़ेक वायरस के प्रति रेजिस्टेंट हो, यानी कि जो YVMV वायरस है ये उसमें ना लगे। तो ज़्यादा ब्रीडिंग का ऑब्जेक्टिव जो मेन है ओकरा में वो यही है। पूसा सावनी इज एडॉप्टेड टू लार्जर पीएच रेंज एंड हैव टॉलरेंट टू सैलिनिटी। कह रहा है कि जो पूसा सावनी एक वेराइटी है ओकरा की, इसको हम ग्रो कर सकते हैं लार्ज पीएच रेंज पर, मतलब कि पीएच रेंज यानी कि हल्का सा अगर एसिडिक होगा, हल्का सा बेसिडिक होगा तब भी हम इसको ग्रो कर पाएंगे, यानी कि इसके ग्रो करने के लिए पीएच एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं होगा। खेत का पीएच कितना भी हो हम लगभग ग्रो कर पाएंगे। अब ऐसा नहीं कि 2 या 3 पीएच का हो सॉइल, 4 पीएच का सॉइल हो तब नहीं ग्रो करेगा। और अगर सैलिनिटी है इसके अंदर, सॉइल के अंदर सैलिनिटी है, तब भी ये ओकरा की जो वेराइटी है पूसा सावनी ये आसानी से ग्रो हो जाएगी। अर्का अभय एंड पूसा A4 गिव क्विक ब्रांचिंग आफ्टर प्रूनिंग। अर्का अभय और पूसा A4 ओकरा की ऐसी दो वेराइटीज़ हैं जिनको अगर हम प्रूनिंग कर दें तो इसमें ब्रांचिंग ढेर सारी हो जाती है। मतलब जो ये मेन स्टेम है अगर ऊपर से हमने यहाँ से काट कर इसको निकाल दिया तो यहाँ से कई सारे
ब्रांच निकल जाएंगे नीचे से, जितने भी इंटर नोड होंगे, जितने भी नोड्स होते हैं वहाँ से नए नए ब्रांचेस निकल जाती हैं, जिससे आपका फ्रूटिंग और फ्लावरिंग बढ़ जाता है। और जो फ्रूटिंग और फ्लावरिंग बढ़ जाएगा तो आपका प्रोडक्शन जो है वो अल्टीमेटली बढ़ ही जाएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ वेराइटीज़ के बारे में। ओकरा की कुछ वेराइटीज़ हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो सिलेक्शन के थ्रू वेराइटीज़ बनाई गई हैं, मीन्स ओकरा की ऐसी वेराइटीज़ जिसको हम सिलेक्शन के थ्रू बनाते हैं या जिसको सिलेक्शन के थ्रू बनाया गया है। सिलेक्शन एक ब्रीडिंग का प्रोसेस होता है। जब आप ब्रीडिंग पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि सिलेक्शन ब्रीडिंग, प्योर लाइन सिलेक्शन और पेडिग्री सिलेक्शन, और इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन और म्यूटेशन ब्रीडिंग, ये ढेर सारे टाइप के ब्रीडिंग के मेथड होते हैं जिनसे नई नई वेराइटीज़ डेवलप की जाती हैं। तो उसमें से एक मेथड है सिलेक्शन। अब सिलेक्शन से जो ओकरा की वेराइटीज़ डेवलप की गई हैं उसमें सबसे पहली वैरायटी है पूसा मखमली। पूसा मखमली एक बहुत अच्छी वैरायटी है ओकरा की, जिसको डेवलप किया गया है सिलेक्शन के थ्रू। उसके बाद है गुजरात भिंडी नंबर वन, ठीक, ये भी एक वैरायटी है जिसको सिलेक्शन के थ्रू बनाया गया है। उसके बाद इंट्रोडक्शन वाली वैरायटीज़ है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, मतलब इनका इंडिया में इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, इनका इंडिया में ओरिजिन नहीं है, ये किसी दूसरे देश में बहुत अच्छा प्रोडक्शन करती थी लेकिन जब बाद में वहाँ ढेर सारा प्रोडक्शन करने लगी तो उसको इंडिया में भी ले आया गया। जैसे मेरिनो जो भेड़ की नस्ल है ये यहाँ की नहीं है, लेकिन कैसे वो वहाँ से इंडिया में भी आ गया, अब इंडिया में भी उसकी रेनिंग हो रही है अच्छे से। तो इंट्रोडक्शन किया गया कहाँ कहाँ से किया गया, एक तो है कमिलियंस स्पाइनलेस। स्पाइनलेस बोले तो जिसमें रीढ़ की स्पाइन नहीं होती। स्पाइन का क्या मतलब होता है? स्पाइन मतलब जिसमें फाइबर कंटेंट कम होता है, स्पाइनलेस बोलते हैं उसको। अगर फाइबर कंटेंट कम होगा तो उसको बोलेंगे स्पाइनलेस। तो क्लिमसन्स स्पाइनलेस ये इंट्रोड्यूस है। उसके बाद परकिंस लॉन्ग ग्रीन, ये परकिंस लॉन्ग ग्रीन और उसके बाद क्लिमसन्स स्पाइनलेस, ये दो वैरायटी ओकरा की ऐसी वैरायटीज है जिनको इंट्रोड्यूस किया गया था किसी दूसरे देश से, बाहर से आई। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन से जो बनाई गई हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं उनको जान लेते हैं। ओकरा की कुछ ऐसी वैरायटीज़ हैं जो हाइब्रिड हैं, जिसमें सबसे पहली वैरायटी है पूसा सावनी। पूसा सावनी जो वैरायटी है वो पूसा मखमली और IC 1542 के क्रॉस से बनाया गया है। पूसा सावनी और IC 1542 के क्रॉस से बनाया गया है, ये डे न्यूट्रल वैरायटी है, स्पाइनलेस ये भी होता है, ठीक। उसके बाद फिर दूसरी जो वैरायटी है वो है पंजाब पद्मिनी। पंजाब पद्मिनी जो है वो अबेलमास्कस एस्कुलेंटस और अबेलमास्कस मैनीहॉट स्पेसीज, ये अबेलमास्कस एस्कुलेंटस यानी कि अपनी नॉर्मल जो ओकरा है उसका, और अबेलमास्कस मैनीहॉट स्पेसीज मैनीहॉट, इसी के क्रॉस से बनाया गया है ये वैरायटी। कौन सी वैरायटी? पंजाब पद्मिनी। बात समझो कि मैंने बताया था कि जितने भी क्रॉप्स होती हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि उनकी सबकी जीनस और स्पीसीज एक ही जैसी हो। जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको वो पढ़ाया है, राइस की क्रॉप पढ़ाई है, तो राइस की क्रॉप में मैंने बताया था कि जो 24 स्पीसीज होती हैं जीनस ओराइजा में, 24 स्पीसीज होती हैं जिसमें से केवल दो स्पीसीज को हम कल्टिवेट करते हैं, बाकी जो 22 हों वो बिना काम की हैं। तो अगर मान लो वो जो 22 स्पीसीज बच गई हैं उस स्पीसीज में से कोई एक लेके और ओराइजा सेटाइबा को लेके अगर हम क्रॉस करें तो एक दूसरे टाइप की धान की वैरायटी बनेगी। उसी तरीके से इसको बनाया गया है कि एक नॉर्मल ओकरा अबेलमास्कस एस्कुलेंटस और अबेलमास्कस मैनीहॉट स्पीसीज मैनीहॉट को लेकर क्रॉस कराया गया और इनकी क्रॉस से बना पंजाब पद्मिनी। ये एक अच्छी वैरायटी है जो हाइब्रिड वैरायटी है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन देती है। उसके बाद परभनी क्रांति, ये इतनी ज़्यादा फेमस वैरायटी हुई, इतनी ज़्यादा फेमस वैरायटी हुई कि इसी वैरायटी के नाम पर ही परभनी क्रांति क्वेश्चन पूछा जाने लगा कि परभनी क्रांति किससे रिलेटेड है, परभनी रेवोल्यूशन। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रे रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन, रेड रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन, ढेर सारे टाइप के रेवोल्यूशन आपने पढ़े होंगे। तो उस जो रेवोल्यूशन है उसी में एक और रेवोल्यूशन जोड़ दिया गया, वो था परभनी रेवोल्यूशन, मतलब परभनी क्रांति। इतनी ज़्यादा ये फेमस हुई थी वैरायटी, इतना अच्छा इसका प्रोडक्शन था
इसको बनाया गया है अबलमास्कस स्कुलेंटस और अबलमास्कस मैनीहॉट स्पेसीज मैनीहॉट। इसके भी पेरेंट जो हैं वही वाले पेरेंट है जो पंजाब पद्मिनी के पेरेंट है। बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि इसकी कोई दूसरी वेराइटी रही होगी यहाँ और यहाँ कोई दूसरी वेराइटी रही होगी। जैसे अभी मैं ढेर सारी वेराइटी बता रहा हूँ ना अबलमास्कस स्कुलेंटस की, तो इसमें हो सकता है दूसरी वेराइटी यूज़ की गई हो, इसमें कुछ दूसरी वेराइटी यूज़ की गई हो। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद है जो चौथी वेराइटी हाइब्रिड, वो कौन सी है? अर्का अनामिका। नाम से पता चल रहा है अनामिका एक उंगली का नाम होता है। हमारी जो कानी उंगली होती है, सबसे छोटी वाली हाथ की उंगली होती है, उसको बोलते हैं। उसकी बगल में एक उंगली होती है, हमारे हाथ की जो सबसे छोटी वाली उंगली है उसके बगल में एक उंगली होती है, उसी उंगली का नाम अनामिका है। तो इसी जैसे उंगली अपनी पतली पतली होती है, वैसे ही पतली पतली, और एक बात समझना, ओकरा जो है उसको इंग्लिश में बोलते हैं लेडीज फिंगर, यानी कि औरतों की उंगली। उसी से आप याद कर सकते हैं कि अनामिका उंगली है और लेडीज फिंगर भिंडी है। तो उंगली अगर बात करें तो किसकी वेराइटी है? अनामिका। किसकी वेराइटी है? ओकरा की। तो यू हैव टू रिमेम्बर इट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये पूछा गया है। तो अबलमास्कस एस्कुलेंटस और अबलमास्कस मैनीहॉट स्पेसीज टेट्राफिलस, इसके क्रॉस से बनाया गया है अर्का अनामिका। काफ़ी पतली पतली और छोटी छोटी भिंडी होती है जो खाने में बड़ी स्वादिष्ट होती है। इसमें स्पाइन कम होता है, यानी कि इसमें फाइबर कंटेंट बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। जब फाइबर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है ओकरा में, तो खाते समय ये दांत में फंस जाता है और डाइजेस्टेबल नहीं होता है। इसकी जो मार्केट डिमांड है वो काफ़ी घट जाती है, जो टाइट हो जाती है भिंडी। फिर उसके बाद है अर्का अभय, ये भी एक अच्छी वेराइटी है जो डेवलप की गई है अबलमास्कस एस्कुलेंटस और अबलमास्कस मैनीहॉट के स्पेसीज मैनीहॉट से। इसको भी इसी से डेवलप किया गया है। तो अभी तक मैंने तीन ऐसी वेराइटीज़ हाइब्रिड वेराइटीज़ बताई जिनको सेम पेरेंट से डेवलप किया गया है, एक दो और तीन। कौन कौन सी वेराइटीज़ थी? एक तो पंजाब पद्मिनी था, दूसरा था परभनी क्रांति था, और तीसरा अर्का अभय था। चौथी जो वेराइटी अर्का अनामिका डेवलप की गई, इसमें थोड़ा सा अंतर है क्योंकि इसकी जो स्पेसीज है वो क्या है? टेट्राफिलस स्पेसीज है, बाकी सबकी मैनीहॉट है। इसके बाद प्राइवेट सेक्टर की कुछ हाइब्रिड हैं जो प्राइवेट कंपनीज हैं, ये भी अपना हाइब्रिड वेराइटी डेवलप करती हैं या वेराइटी डेवलप करती हैं। उसमें सबसे पहली जो वेराइटी है वो है पांचाली, उसके बाद है आधुनिक पंचाली, आधुनिक सुप्रिया और वर्षा। ये तीन वेराइटी जो हैं, पांचाली, आधुनिक सुप्रिया और वर्षा, ये कैसी वेराइटीज़ हैं? प्राइवेट सेक्टर की हाइब्रिड वेराइटीज़ हैं। किसकी वेराइटीज़ हैं? ओकरा की, मतलब भिंडी की, मतलब लेडीज फिंगर की। कैसी वेराइटी हैं? प्राइवेट सेक्टर वेराइटी हैं। कौन कौन सी वेराइटी हैं? पांचाली, आधुनिक सुप्रिया और वर्षा। समझ गए बात? अगला पॉइंट देखते हैं, कुछ म्यूटेंट वेराइटी हैं ओकरा की, कुछ म्यूटेंट वेराइटी जिनको म्यूटेशन के थ्रू बनाया गया है। उसमें से पहली वेराइटी है EMS8 जो वेराइटी है इसको म्यूटेशन के थ्रू बनाया गया है। उसके बाद है येलो वाइन मोजेक वायरस के प्रति रेजिस्टेंट वेराइटी। वो कौन कौन सी वेराइटीज़ हैं? अर्का अनामिका, अर्का अभय, परभनी क्रांति, पंजाब पद्मिनी, पूसा सावनी, वर्षा उपकार और हिसार बरसाती। ये जो कुछ वेराइटीज़ हैं इनमें येलो वाइन मोजेक वायरस नहीं लगता है। समझ गए? इसमें जो येलो वाइन वाली डिजीज़ अभी मैंने बताई थी आपको, ये वाली डिजीज़ इसमें नहीं लगती है। काफ़ी अच्छी वेराइटी इसको माना जाता है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है पूसा। ये जो पूसा में जितनी भी वेराइटी पूसा से डेवलप की गई हैं, ओकरा की जितनी भी वेराइटी पूसा से डेवलप की गई हैं, सब ससेप्टेबल टू येलो मोजेक वायरस, येलो वाइन मोजेक वायरस। अब बात समझ रहे हैं क्यों? कुछ वेराइटीज़ को छोड़कर, अभी आप बात करेंगे कि सर जी यहाँ पर अर्का और अर्का और अर्का, देख लो ये पूसा सामनी, कुछ स्पेसिफिक वेराइटीज़ को छोड़कर, जैसे यहाँ पूसा है इसको अगर हम छोड़ दें तो बाकी और जितनी भी वेराइटीज़ हैं पूसा से निकलने वाली वो ससेप्टेबल हैं येलो वाइन मोजेक वायरस में। अब देखना बात, ये बिल्कुल कन्फर्म बात नहीं है कि पूसा से जितनी भी वेराइटीज़ निकलेंगी, लेकिन ये नॉर्मली देखा जाता है कि पूसा से जो वेराइटीज़ निकलती हैं उसमें कुछ वेराइटीज़ को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो अधिकतर वेराइटीज़ हैं वो ससेप्टेबल हैं
येलो वाइन मोजेक वायरस के प्रति, समझ गए बात। अगला पॉइंट है पूसा A4, ये जो रेजिस्टेंट है किसके प्रति, येलो वाइन मोजेक वायरस के प्रति। अभी देखो मैंने बताया कि जो पूसा है ये ससेप्टिबल है येलो वाइन मोजेक वायरस के प्रति, लेकिन वहीं देखो अभी पूसा A4 जो वेराइटी निकली, पूसा A4 ये रेजिस्टेंट है YVMV के प्रति एंड टॉलरेंट टू जैसिड। जैसिड ये एक ऐसा लगता है जो बहुत ही डेंजरस इंसेक्ट होता है, और इसके साथ साथ सूट बोरर, यानी कि जो पूसा A4 है इसमें पहली बात तो YVMV वायरस नहीं लगेगा, ये वाली डिजीज़ नहीं लगने वाली। उसके बाद जैसिड नहीं लगेगा, जैसिड एक इंसेक्ट है ये वाला, ये भी नहीं लगेगा। इसके बाद जो सूट बोरर इंसेक्ट होता है ये भी नहीं लगेगा, मतलब ये तीनों के प्रति रेजिस्टेंट है, समझ गए बात। वर्षा उपकार ये जो है ये सुटेबल है इन डिजीज प्रोन एरियाज, मतलब ऐसे एरियाज जहां पर YVMV वायरस का प्रकोप ज्यादा रहता है, उस एरिया में वर्षा उपकार वैरायटी को ग्रो करना काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस वैरायटी में ये YVMV वायरस कम लगता है। उसके बाद जो ओकरा की क्रॉप है ये ट्रॉपिकल क्रॉप है, ये इसको ट्रॉपिकल क्लाइमेट में हम ग्रो करते हैं। द रूट्स एंड स्टेम आर यूज्ड फॉर क्लीनिंग केन जूस एंड प्रिपरेशन ऑफ गुड़। जब हम गन्ने के रस से गुड़ बना रहे होते हैं तो उस रस में हम ओकरा के रूट को और ओकरा के स्टेम को डालते हैं। इसका काम क्या होता है, ये जो गुड़ होता है गुड़ को साफ करता है, जो गन्ने का रस होता है इसके अंदर की जो गंदगी होती है उसको साफ करता है और गुड़ को ब्राउन कलर का इफेक्ट देता है। अगर हम ये नहीं डालेंगे तो हमारा जो गुड़ बनके तैयार होगा वो काला काला गुड़ तैयार होगा, तो उसको ब्राउन करने के लिए, मतलब उसको साफ करने के लिए, गुड़ ज़्यादा साफ साफ चमकीला दिखे, उसके लिए ओकरा का रूट और ओकरा का स्टेम डाला जाता है। अब ओकरा का रूट और ओकरा का स्टेम जो होता है उसके अंदर फास्फोरस पाया जाता है और उसी की वजह से ये शुगर केन को साफ करने का काम करता है, समझ गए बात। हाई आयोडीन कंटेंट ऑफ फ्रूट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग गोइटर, क्योंकि इसमें हाई आयोडीन पाया जाता है ओकरा की क्रॉप में, इसी वजह से यह गोइटर को कंट्रोल करता है, इसको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। फिर अर्का अभय इज ए सिस्टर लाइन ऑफ अर्का अनामिका, अर्का अभय जो है वो अर्का अनामिका का क्या है, सिस्टर लाइन वेराइटी है। अब बात समझो इसको सिस्टर लाइन क्यों कहा जा रहा है, ये अर्का अभय को अर्का अनामिका का सिस्टर लाइन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि अभी थोड़ी देर मैंने पहले पढ़ाया कि ये अर्का अनामिका जो है और अर्का अभय, कौन कौन सा, अर्का अनामिका और अर्का अभय में केवल स्पेसीज टेट्रा, बस केवल स्पेसीज का अंतर है, इसी वजह से इनको क्या माना जाता है, मतलब इनके जो पेरेंट्स हैं दोनों सेम है, इसी वजह से इसको बोला जाता है कि ये सिस्टर लाइन है, समझ गए बात। इसके बाद अगला पॉइंट देख लेते हैं ओकरा का, परकिंस लॉन्ग ग्रीन ये सुटेबल फॉर हिली एरियाज इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया के जो हिली एरियाज हैं वहाँ पर ओकरा की कल्टीवेशन के लिए परकिंस लॉन्ग ग्रीन जो वैरायटी है ये काफ़ी अच्छी है। परकिंस लॉन्ग ग्रीन जो ये इंट्रोड्यूस की गई थी, यानी कि विदेशी वैरायटी है, समझ गए। और पंजाब पद्मिनी जो है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया, पंजाब पद्मिनी ये है प्रोसेसेस फील्ड रेजिस्टेंट टू YVMV एंड टॉलरेंट टू जैसिड एंड कॉटन वॉलवर्म, ये टॉलरेंट करता है जैसिड को, कॉटन वॉलवर्म को, और रेजिस्टेंट करता है YVMV वायरस को, मतलब ये दो इंसेक्ट नहीं लगेंगे और एक ये जो वायरस है ये नहीं लगता है, किसमें, पंजाब पद्मिनी में। पंजाब पद्मिनी कैसी है, पंजाब पद्मिनी जो वेराइटी है ये एक हाईब्रिड वेराइटी है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया। एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड क्या होता है, 6 से 8 सेंटीमीटर लॉन्ग जो फ्रूट होता है, यानी कि जब आपकी ओकरा 6 से 8 मीटर लॉन्ग हो जाए तो उसको आपको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो उसकी मार्केट डिमांड घट जाएगी, लोग देखेंगे कि बहुत बड़ी भिंडी है तो उसको समझेंगे कि ये बहुत टाइट हो गई होगी, इसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा हो गया होगा, तो उसको वो नहीं लेते हैं, क्योंकि उसकी जो फिर क्वालिटी है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगती है। इसीलिए यू हैव टू हार्वेस्ट ओकरा व्हेन
ओकरा फ्रूट्स ऑब्टेन द हाइट ऑब्टेन द लेंथ ऑफ 6 to 8 सेंटीमीटर। डॉक्टर हरभजन सिंह जो हैं ये किससे संबंधित है, काफ़ी बार पूछा जाता है डॉक्टर हरभजन सिंह किससे संबंधित है, वो ब्रीडिंग से संबंधित हैं। उन्होंने ही एक सिस्टमेटिक वर्क स्टार्ट किया था भिंडी पर, जिसकी वजह से फिर भिंडी में ढेर सारी हाइब्रिड वेराइटीज और ढेर सारे इवोल्यूशन हुए हैं। सबसे पहले स्टार्ट किसने किया था, डॉक्टर हरभजन सिंह ने किया था। उसके बाद एट टेम्परेचर अबव 42 डिग्री सेंटीग्रेड फ्लावर बड ड्रॉप्स, मतलब कह रहा है कि अगर 42 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो बट ड्रॉप वाली प्रॉब्लम होने लगेगी, यानी ज़्यादा टेम्परेचर काफ़ी खतरनाक हो जाता है। ओकरा की क्रॉप की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है। 24 से 28 डिग्री टेम्परेचर हो, ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो, फ्रीक्वेंट इरीगेशन की व्यवस्था हो, सैंडी टू सैंडी लूम सॉयल हो, 6 से 8 के बीच का पीएच हो, तो आपकी ओकरा की क्रॉप अच्छे से ग्रो की जा सकती है। उसके बाद फिर क्या है, ओकरा गिव्स 300 से 500% क्रॉप लैंड यूज इफिशेंसी एज एन इंटरक्रॉप इन कसावा एंड कुकरबिट्स। ओकरा की आपकी जो क्रॉप है अगर इसको हम कसावा और कुकरबिट्स के साथ इंटरक्रॉपिंग कर दें, यानी कि आपका कसावा बोले तो अरवी बंडा और कुकरबिट्स मतलब पता होगा आपको कद्दू वर्गीय फसलें, अगर इन दोनों के साथ हम ओकरा को ग्रो करेंगे तो 300 से 500% लैंड यूज इफिशेंसी बढ़ जाएगी। समझ गए बात। लॉन्गर फ्रूट आर यूज्ड फॉर फ्रेश मार्केट, जो लंबे फ्रूट होते हैं इसको फ्रेश मार्केट में बेचने के लिए यूज किया जाता है। जैसिड जो है वो सबसे सीरियस पेस्ट होता है ओकरा का, क्योंकि ये फ्रूट को डैमेज करता है। तो आज के लिए केवल इतना ही, आपकी ओकरा की जो क्रॉप है ख़त्म हुई। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, जो भी कुछ सुझाव हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।